अयोध्या में धर्म सभा का आयोजन आज, आयोजन की सभी तैयारियां पूरी। धर्म सभा के लिए लोगों का पहुंचना शुरू, 2 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान। 11 बजे दिन में हुंकार मंच से शुरू होगी धर्म सभा की कार्रवाई, राम मंदिर के मुद्दे पर होगी महत्वपूर्ण चर्चा। मंच पर रहेंगे विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के नेता, साधु संत भी रहेंगे मौजूद। अयोध्या के अलावा देश के सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों में भी वीएचपी करेगी कार्यक्रम, दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा कार्यक्रम। वीएचपी के कार्यकर्ता अलग अलग टोलियों में सांसदों से भी करेंगे मुलाकात, राम मंदिर बनाने के लिए हस्ताक्षर करने की करेंगे अपील। धर्म सभा में होगी मंदिर निर्माण के लिए योजना पर चर्चा, साधु संत करेंगे चर्चा। सूत्रों के मुताबिक धर्म सभा सरकार को दे सकती है मंदिर निर्माण का फॉर्मूला बताने का समय। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आज करेंगे रामलला का दर्शन, जन संवाद में भी शिरकत करेंगे। उद्धव ने की सरकार से मांग, सरकार बताए मंदिर निर्माण की तारीख। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने अयोध्या के हालात पर संयुक्त राष्ट्र से की नजर रखने की अपील, कहा 1992 जैसा माहौल बन गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी ने कहा वीएचपी की धर्म सभा से अयोध्या के मुसलमान डरे हुए हैं। करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए पाकिस्तान ने दिया विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को न्योता, सिद्धू और अमरिंदर को भी निमंत्रण। 28 नवंबर को पाक में करतारपुर कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे पीएम इमरान खान, सिद्धू ने कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता किया स्वीकार। सुषमा स्वराज ने शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार किया, व्यस्तता का हवाला दिया। भारत की तरफ से हरसिमरत कौर बादल और हरदीप सिंह पुरी जाएंगे पाकिस्तान, करतारपुर कॉरिडोर शिलान्यास कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। करतारपुर कॉरिडोर के भारतीय हिस्से का उद्घाटन करेंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, 26 नवंबर को होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया पलटवार, कहा मुझसे मुकाबला नहीं कर पा रहे तो मां को दे रहे हैं गाली। पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ नारे को झूठा नारा बताया, मोदी ने कहा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी फ्रॉड था। टीकमगढ़ में राहुल ने साधा मोदी पर निशाना, नीरव मोदी और अनिल अंबानी को मदद करने का लगाया आरोप। योगी सरकार का फैसला, अयोध्या में बनेगी 221 मीटर राम जी की मूर्ति, सरयू तट के किनारे बनेगी मूर्ति। राम मूर्ति के साथ एक म्यूजियम भी बनाया जाएगा, म्यूजियम में अयोध्या के इतिहास की जानकारी होगी। यूपी के बाराबंकी में अयोध्या जा रहे राम भक्तों का मुसलमानों ने किया स्वागत, धर्म सभा में शामिल होने जा रहे लोगों को शुभकामनाएं दी। वीएचपी की धर्म सभा की सफलता के लिए बिहार के दरभंगा जिले से निकाला गया बाइक जुलूस, दरभंगा मेडिकल कॉलेज परिसर में होगी धर्म सभा।